क्रांतिकारी धरती से आए हमारे भाई और संगठन के समर्पित साथी महेंद्र सिंह गुर्जर जी, भाई मुकुंद तिवारी जी, जिनके साथ मेरा लंबे अरसे से काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई हुकुम सिंह जी, ये बहुत लंबी फहरिस्त है 3-4 पीस की, सारे महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो सबसे हाथ जोड़ के हाथी मांगू, इधर वाले भी और इधर वाले भी, चूंकि बात लंबी हो जाए और बात तो दरअसल सारी हो चुकी, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण सुझाव, हमारी कोताहियां क्या है, हमारी अच्छाइयां क्या है, हमसे मुलाकात पार्टी की बात और हमें भविष्य में किस तरह से काम करना, ये बात सही है कि 2022 का विधानसभा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2022 का विधानसभा का चुनाव के जो नतीजे होंगे उस नतीजे का असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव यह तय करेगा कि 2024 के नतीजे इस देश की राजनीति में किस तरह से होने वाले। तो बात नतीजे की नहीं, नदीम जावेद अगर विधानसभा के सदस्य हो भी जाए तो उससे नदीम जावेद की राजनीति को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि राज्य के समक्ष जो चुनौतियां हैं और देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला कैसे किया जाए। पिछले 7 वर्षों में एक चीज बहुत साफ देखी गई और वो ये देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ, शाह और तानाशाह के खिलाफ, अजय सिंह बिष्ट की सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज इस देश के अंदर रही है तो वो राहुल जी की, प्रियंका जी की और कांग्रेस पार्टी की आवाज है, दूसरी कोई आवाज नहीं। क्यों नहीं आप जानते, अखिलेश यादव भी पिछले 4 साल से अपने घर से निकलने को तैयार नहीं, मायावती जी बोलने को तैयार नहीं, और ले देके सिर्फ एक तिरंगा है और राहुल गांधी है जो लगातार आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अब इस पर जनता में विस्तार से चर्चा होगी, आप तो राजनीतिक लोग हैं, मैं बुनियादी सवाल खड़ा करता हूं कि चुनाव को हम कैसे लड़ सकते हैं। कई सारे लोगों ने कहा कि संगठन निर्माण आवश्यक है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए संगठन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा संगठन कमजोर है। हमारे पास 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 6% वोट है और हमें चुनाव जीतने के लिए 40% वोट चाहिए, 40% मत चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की भी सच्चाई है, जोधपुर की भी सच्चाई है। आप इस 6% को कैसे हम ले जाए 40% में, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। लेकिन एक खास बात यह भी रही है कि 2012 में जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो 2012 में कांग्रेस पार्टी को यहां 2.5% मत मिलते थे, 3,000 वोट मिलते थे, आप जानते हैं। तो मैंने कोई चुनाव नहीं खड़ा किया, चुनाव यहां की युवक कांग्रेस के, NSUI के और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खड़ा किया। सवाल इस बात का है कि कम से कम जौनपुर सदर की चर्चा हो रही है, इसलिए जौनपुर सदर को अगर फोकस करते हैं तो कैसे संगठन निर्माण हो। हमें खुशी इस बात की है कि आज जितने लोग आए, मेरी यह समझदारी है कि लगभग 40% संगठन हमारा बना हुआ है, मगर हमारे पास अभी भी 60% मत नहीं है, यानी 60% संगठन नहीं है। दूसरी बात कि संगठन पे या बूथ पे अगर हमारा आदमी खड़ा भी होगा तो क्या अगर लोग वोट देना चाहेंगे तभी तो वोट देंगे, अगर खड़े रहेंगे बूथ पे तो वोट कौन देगा। आपको इस विमर्श को, इस नैरेटिव को जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा कि लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से है। अगर हम ये संदेश देने में कामयाब नहीं हुए कि हम ही भारतीय जनता पार्टी से इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम ही मोदी को और अमित शाह को और योगी को हटा सकते हैं तो ही जनता हमें वोट देगी, वरना हमें वोट। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, पार्टी भाई की ये जिम्मेदारी है, गुर्जर साहब की ये जिम्मेदारी है और प्रियंका जी हमारे साथ खड़ी है कि हम आपको ये माहौल, कम से कम इस विधानसभा में मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि लोग ये महसूस करें
कि हाँ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, हम आपको माहौल देने का काम करें। संगठन के लोगों का काम यह है कि उस माहौल को कैसे वोट में पकड़े। तो अगले 2-3-4-5 महीने जो है उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा ये प्रयास होगा, कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास होगा कि हम आपको वो माहौल दे कि जिस घर में आप जाए वहां आदमी ये कहे कि हाँ इस विधानसभा क्षेत्र में कम से कम और दूसरी विधानसभाओं में भी हम कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं।